जलन होती है? हाँ, कभी कभी पेट में बहुत दर्द होती है। अच्छा, हमें दिखाओगी? मुझे शर्म आती है। मुंह खोलने में भी शर्म आती है? मुंह में? अपनी जबान दिखाओ तुम। अच्छा। खुजली तो कहीं और हो रही है, आप मुंह में क्या देखोगे? जबान से। ओहो। अच्छा। आ, 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 अच्छा, ये ट्यूब लिख के दे रहा हूँ, रात को लगाना और सुबह को साफ करके फिर लगाना। ठीक है डॉक्टर। हेलो लालवानी जी। हेलो, मैं मनमोही बोल रहा हूँ, डॉक्टर लालवाली चर्मरोग विशेषज्ञ क्लिनिक से। बताइए, वो कहीं और बिजी हैं? मैं फ्री हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हो। आप आ जाओ। कब? जब आपका दिल करे। मतलब क्या है आपका? आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। ठीक है, आप 7 बजे आ जाओ। ओके। पर आना जरूर। अच्छा ठीक है, आप अपना मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। सपना। अरे मेरा नाम सपना नहीं है, मोहिनी है। अच्छा मोहिनी। मेरा नंबर है आपके पास? हाँ आपका नंबर है, दे दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा जरूर लूंगा। क्या? लूंगा भी और दूंगा भी। आपका मतलब क्या है? आप गुस्सा मत करिए, दवाई का पैसा लूंगा और तुम्हें दवाई दूंगा। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी थी। कल 7 बजे शाम को। ओके। आपका प्राइवेट पार्ट कैसा है? क्या बोला तूने मुझे? मैडम, मैं किसी पेशेंट से बात कर रहा हूँ। आप तो खामखा माहौल गरम किए जा रही हैं। आपको क्या लगा? कल आ जाइए लगवाने। क्या? मेरा मतलब है दिखाने, कैसा है आपका? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने के लिए? ट्यूब से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर? कुछ दिन परहेज कीजिए। वो नहीं मानेंगे। ठीक है, काम होने के बाद लगाइए, पर सुबह को अच्छी तरह से साफ करके लगाइए। क्या? दवाई। अच्छा, मैं समझी। सुबह को तो जरा आराम करो। जी सर। हफ्ते में फिर एक बार चेकिंग के लिए आ जाना। उनको भी साथ लेकर आऊं, उनको भी देख लेना। आपका देख लिया, उनका क्या देखेंगे? तो फिर मैं निकलूं? हाँ ठीक है, ये दवा बाहर से ले लेना। बाहर कंपाउंडर बैठा हुआ है। ओके सर। ये स्लिप देखिए। फिर मैं आपको कॉल करूंगी, कितने दिन के बाद? आफ्टर वन वीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, साला हरामी। आप सरकारी में जाइए। हाय, मैं सरकारी में क्यों जाऊं? तेरे को इलाज करने नहीं आता क्या? आप मेरी बात समझी ही नहीं हो, हमारे पास कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है, वो सरकारी में ही मिलेगा। मेरे दिमाग का खोटी मत कर, ठीक है? डॉक्टर देखो इसे अच्छे से,
मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, खुजली वाले कुत्ते ने काटा है। देखो ये क्या है, देख अच्छे से। ओ, सीधे से कह देती ना मेरे से। उतने लोगों के सामने क्या कहती। बस बस कब से हुआ है ये, 5 दिन हो गया। साला अपना तो धंधा ही चौपट हो गया। साला कोई भी कस्टमर आता है इसे देखकर उसे लगता है कि इसे गुप्त रोग है। ओके ओके ठीक है, कपड़े संभालो अपने। कपड़े संभालूंगी, तुम घंटा चेकअप करोगे। हाँ, हाँ, डॉक्टर हो, तुम्हें देखने में क्या शर्म आती है। गुप्त रोग है, डॉक्टर से गुप्त नहीं रख सकते। गुप्त रोग है और गुप्त नहीं रख सकते, तो देखो ठीक से, 2 दिन में टकाटक हो जाना चाहिए। इसी से अपना पेट भरता है, अगर यही गड़बड़ रहा तो गया फिर। तुम फिकर मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। इंजेक्शन अभी दे देता हूँ और आपका ब्लड चेकिंग के लिए बाहर भेजना होगा, उसमें हफ्तों भी लग सकते हैं। तब तक के लिए इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन कहाँ लगेगा। जहाँ उसकी सही जगह है। ध्यान रहे हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना। मैं बिना कंडोम के करती भी नहीं हूँ, चाहे सामने वाला कितना भी पैसे देने पे तैयार हो जाए। चलती हूँ। ओ, एटीट्यूड तो ऐसा है सती सावित्री हो, लेकिन है तो गुप्त रोग, आज नहीं तो कल फिर आएगी। अरे यार ये कौन सी पटाका है, बिना मुझे देखे ही चली गई और बात भी नहीं की। ओ तेरी, ये दिल की भी बात सुन लेती है क्या। एक बात पूछूं। पूछूं क्या। अरे सुनो, ए सुनो, ए ये पैसा भी देके नहीं गई, अब डॉक्टर साहब को क्या बताऊंगा, अब तो मेरी सैलरी में से ही पैसा काट लेंगे, लग गई मेरी। डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं। आजा आजा। हाँ बता क्या बात है। सर ये औरत आपकी दोस्त है क्या। नहीं, क्या हुआ। वो आती है आपसे लगवाती है। ये सेंटेंस तो पूरा बोल। अरे इंजेक्शन लगवाती है। तो तू लगा ले। आप कभी मौका कहाँ देते हैं। कहना क्या चाह रहा है तू। वो आती है और चली जाती है, आपको पैसा नहीं देती है। वो तो तुम्हारा काम है, वो तो तुम्हारी सैलरी से कट जाएगा। इसकी माँ की घुंघरू बजाऊं। आप पैसे दीजिए मैडम। हम पैसे नहीं देते, आप लेंगे। मैडम आप प्लीज, आप हमारा पैसा दे दो, नहीं तो डॉक्टर साहब हमारे सैलरी में से काट लेंगे, नहीं तो हमारा घर परिवार क्या खाएंगे। चलो ले लो अपने पैसे। ले लो अपने पैसे। ये क्या है, तुमको मालूम नहीं है। Ha ha ha.
क्यों भाई, बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? सर वो पैसा आप मेरी सैलरी में से काट ले। लगा के आ गया इंजेक्शन, ऐसा मौका देता ही रहता हूँ मैं। क्या सर आप भी मजाक करते हैं, मैं गया था पैसा लेने। ठीक है मैं समझ गया, जाओ अपना काम करो। ठीक है सर, वो मेरी सैलरी से काट लेना। ठीक है जाओ जाओ। जी सर। ये रिपोर्ट ब्लड की है, उसको दे देना। ठीक है ओके। बाकी यार इस लड़की को तो एड्स की बीमारी है और मैंने इसके साथ। अरे माँ की आंख, मैं तो मर गया। ये तो गया ऊपर, लेकिन ये मरा कैसे? ओ पॉइजन, पॉइजन खाके मरा है। पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ। हमारे कंपाउंडर ने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी आइए। ओके। लालवानी जी। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर विजय कुमार, ये हमारे कंपाउंडर हैं, इन्होंने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली है और ये इनकी रिपोर्ट है। हमारी एक पेशेंट आती थी बॉबी, उसको एड्स की बीमारी थी, ये उसकी रिपोर्ट है और इनके उससे शारीरिक संबंध हो गए थे तो इसको बीमारी हो गई और इसने पॉइजन खा के आत्महत्या कर ली। सर आप देख लीजिए आगे क्या करना है, बाकी तो सब ऊपर वाला जाने। ठीक है लालवानी जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं देख लूंगा, घबराइए मत। सुजाता, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और रिपोर्ट शाम को मेरे हवाले कीजिए। ओके